वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई प्रेम कुमार, स्मार्ट प्रेम ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज का इस वीडियो से, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया कि क्या हम दिखाने वाले हैं। तो आज हम जो आप लोगों को पूरा वृंदावन का टूर करवाने वाले हैं एक ही वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको टूर करवाएँगे प्रेम मंदिर का, प्रेम मंदिर का फुल टूर करवाएंगे फुल गाइडेंस के साथ, और हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ दिखाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो में मिलते हैं बिना टाइम गवाए बिना मस्ती किए। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे राधे। वृंदावन के यात्रा में आप सभी को स्वागत है। यहाँ से एंट्री गेट से आप एंट्री जब करोगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ से 100 मीटर दूर ही प्रेम मंदिर का गेट है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि गेट, हम अभी जो है गेट से एंट्री कर चुके हैं। आपको जो है हम पूरा व्यू प्रेम मंदिर का दिखाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। ये देखिए सामने प्रेम मंदिर है, तो इसके देखते हुए आप लोग आनंद लेते हुए आप जो मेरा वीडियो जो है स्किप मत कीजिए, अगर पूरा वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए चलते हैं, पूरा वीडियो का व्यू दिखाते हैं आपको। अभी जो ये देख रहे हैं ये व्यू, ये शेषनाग पे जो कृष्ण जी डांस कर रहे हैं, यानी अपना नृत्य कर रहे हैं, ये ऐसा व्यू है जो आपको देख के आकर्षित लगेगा। तो आपको हम नज़दीक से दिखाते हैं, आप लोग देख रहे हैं कितना शानदार व्यू है, आपको आनंद ही आनंद आएगा। ये जो व्यू है ये यमुना नदी का व्यू को दर्शाते हुए पूरा जो डिज़ाइन जो यहाँ पे किया गया है, और लोगों को जो है समझ में आ जाए इस प्रकार से इस दृश्य को बनाया गया है। ये जो मथुरा का जो सीन अच्छा से दर्शाया गया है, यहाँ पे शेषनाग पे कृष्ण जो है अपना नृत्य कर रहे हैं, और पूरा व्यू आपको हम समझाएंगे। अब हम बात करेंगे इटालियन मार्बल से बनी यह मंदिर बेहद खूबसूरत है। इस मंदिर का शिलान्यास जो 14 जनवरी सन 2001 को जगत गुरु कृपालु महाराज के द्वारा किया गया था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने कार्य किया था इस मंदिर में। और अभी जो ये व्यू आप लोग देख रहे हैं, ये व्यू जो है जब कृष्ण जी जो है गायों के लेके और सभी गांवों के गायों जो जब चारा करने के लिए आते थे, तो वहां का ये दृश्य है। काफ़ी जो शानदार दृश्य के साथ समझाया गया है कि ताकि लोगों को जो है समझ में आ जाए, और आकर्षक इतना बनाया गया है कि आप देख के ही दंग रह जाओगे। ये सभी जो देख रहे हैं आप यहाँ पे हिरण का दृश्य, नीचे पीछे जो फव्वारा भी चल रहा है, और यहाँ पे जो कृष्ण जी जो और डांस कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं आप वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, आप उसे कमेंट में बताएं। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट में एक बार ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं यहाँ कृपाल लिखा हुआ, आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या। अभी जो आप लोग ये दृश्य देख रहे हैं ये पूरा गोवर्धन का दृश्य है। यहाँ पर जो है जब काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रहा था, तब कृष्ण जी जो है लोगों को बचाने के लिए ये गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ऊपर बारिश का सीन दिख रहा है, पीछे देख सकते हैं आप। और आपको जो है पूरा एंजॉय के साथ वीडियो दिखा रहे हैं कि नहीं, मेरा वीडियो देखने में आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको जो है पूरा व्यू दिखाएंगे आप लोग, दिन अभी तो दिन का व्यू आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, हम आपको रात का भी दृश्य दिखाएंगे। जो वीडियो को आपको इंतजार है वो कुछ ही क्षणों में जो है उसका पूरा दृश्य दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा, काफ़ी आज भीड़ भी है बहुत। तो वीडियो पे आप लोग प्यारा सा एक लाइक देते रहिए, और आज मेरा इस वीडियो से कम 5000 लाइक का टारगेट है और 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है। तो आप लोग जो है ज़रूर इस टारगेट को पूरा करें। और मेरा वीडियो आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप मुझे बताएं कहाँ का आपको वीडियो हम दें। अब जो हम एंट्री करेंगे प्रेम मंदिर के अंदर, आप जब एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे एक हाथी देखने को मिल जाएगा। अब हम एंट्री करने वाले हैं प्रेम मंदिर के अंदर। अभी जो है लाइट का भी व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, जिस चीज़ के लिए इंतज़ार था वो चीज़ आ गया है। देखिए ये लाइट का व्यू अब स्टार्ट हो चुका है, और उससे पहले जो आपको हम रथ दिखाते हैं, जो कृपालु जी का जो रथ निकलता है आपको हम उनका रथ दिखाते हैं। ये जो आप जब शाम में आओगे तो आपको ये रथ यात्रा देखने के मिल जाएगा। काफ़ी जो है यहाँ पे लोग एंजॉय के साथ गाना गाते हुए, राधे राधे का नाम लगाते हुए लोग इनसे दर्शन लेते हैं, और इनका दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो आप लोग भी जरूर आइए यहाँ पे, आशीर्वाद लीजिए। शाम में अगर आते हैं तो आपको जो है आशीर्वाद इनका मिल जाएगा। मंदिर का आपको शानदार से शानदार व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर फोटो शूट कीजिए अच्छे से इंजॉय के साथ। तो चलिए, राधे राधे के नाम लेते हुए और डांस करते हुए लगाते हुए सभी लोग जो है जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आप लोग, आप अगर इस वीडियो में दिखे हैं तो कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ पे दिखे हैं, और ढेर सारा प्यार देते रहिए।
आप लोग देख रहे हैं रथ यात्रा निकल चुका है। अगर हम अब आपको जो है फुल डिटेल से बताएंगे कि आपको प्रेम मंदिर आना कैसे है। सब प्रेम मंदिर आने के लिए आप लोगों को जो आप कहीं पे भी जिस राज्य में भी हो आपको सबसे पहले मथुरा जंक्शन आना। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं या अगर आप बस से आ रहे हैं तो ओल्ड बस स्टैंड जाएं या आप जो है न्यू बस स्टैंड जाएं। वहां से जो आप जन्मभूमि से 10 रुपया या 20 रुपया आपको किराया लगेगा, जन्मभूमि के पास जाएं और वहां से जो है वृंदावन के लिए बस जाती है 7 नंबर। आप उस बस से जो है वृंदावन जाके वहाँ से जो है प्रेम मंदिर जा सकते। मंदिर जाने के पास जो है वहाँ पे आप पॉकेट मारो से सावधान रहे, अपना मोबाइल को सुरक्षित रखें और जो है स्टैंड कैमरा स्टैंड जो है लेके अंदर ना प्रवेश करें। पॉकेट मार से जो हर हमेशा सावधान रहे, वहाँ पे काफ़ी पॉकेट मार भी घूमते रहता है। अगर आप मोबाइल या कुछ भी ऐसा चीज़ ले जा सकते हैं, बैग ले जाते हैं तो आपको बगल में जो उसका स्टैंड मिल जाएगा, आप वहाँ पे 10 रुपया किराया लगेगा उसको, आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। अब जो हम आपको फाइनली जो है प्रेम मंदिर के अंदर जो एंट्री करवा रहे, देख रहे हैं आप कितना शानदार दृश्य है और काफ़ी भीड़ है, फिर भी हम लोग जो है एंट्री कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, एक सब्सक्राइब आप दे के जाओ और आप लोग अपना प्यार देते रहे, अपने भाई को छोटा भाई समझ के आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और ऐसे ही हम नया नया कंटेंट आपको देते रहेंगे, आपको घुमाते रहेंगे हर एक जगह। आपको किस टॉपिक पे जाए आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फाइनली जो है हम प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं कितना शानदार दृश्य है। पता आप लोगों को इस मंदिर को जो है 17 फरवरी 2012 में जो है जनता के लिए खोला गया था, लगभग 150 करोड़ के लागत से बनाया गया यह मंदिर है और इसे जो है लोगों के लिए बस 11 साल बाद जो तैयार होने के बाद जो इसको खोला गया था। इसका शानदार दृश्य आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इतना शानदार दृश्य आप लोगों को देखने के लिए जल्दी किसी भी मंदिर में हर एक मिनट में ये मंदिर जो है अपना रंग बदलता है शाम में और काफ़ी आकर्षक मंदिर है। जैसे आप लोग पूरा वीडियो तो देख ही चुके हैं, स्किप किए बिना आप लोग पूरा देखिएगा तो काफ़ी आपको आनंद आएगा। इसका देख लीजिए काफ़ी डिज़ाइन जो है शिल्पकारों ने इतना शानदार डिज़ाइन बनाया कि लोग को यहाँ पे आकर्षण कर देता है और जो ये जो वीडियो है आप लोग को देख के समझ में आ गया होगा कि कितना शानदार वीडियो हम लोग बना के आप लोगों के लिए दिया है। अपने आप लोग देख रहे हैं कि कितना लोग है, फिर भी हम आप लोगों के लिए जो है पूरा व्यू दिखाने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं हम आपको जो है अब ऊपर की तरफ एंट्री करवाएंगे। उससे पहले जो आप लोग जो मगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जो है सबसे पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे कि मैंने बताया टारगेट जो है मेरा वो कम्प्लीट आप लोग प्यार से एक बार कर दीजिए और फिर हम जो आप लोगों को आप ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर एक नीचे भी नीचे का दृश्य जो हम आप लोगों को दिखा, आप जो हम आप लोगों की इतना भीड़ देख रहे हैं सामने, अब जो हम आप लोगों को ऊपर का व्यू दिखाएंगे प्रेम मंदिर का और बिना स्किप किए हुए आप लोग देखते रहिए और राधे राधे का नाम लगाते रहिए। तो बोलिए राधे राधे की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम प्रवेश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, आप लोग देख रहे हैं कितना भीड़ है तो नारा लगाते लगाते चलिए। आप लोग ये देख रहे हैं शानदार दृश्य शिल्पकारों ने इस मंदिर में बनाया है और ये दृश्य जो आपको कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रेम मंदिर में ही दिखेगा। कितना संत महात्मा जो है सभी यहाँ पे बनाया और इस पे जो है काफ़ी काम किया गया, शिल्पकारों ने अच्छी तरीका से काम किया है। यहाँ पे जितने भी संत महात्मा जो मथुरा में रहते थे उनका सभी का फ़ोटो यहाँ पे बनाया और ये जो है मंदिर का बीच का व्यू है। अब जो हम आप नीचे की तरफ चलेंगे, आप लोग देख रहे हैं नारा लगाते हुए जो है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और फिर जो हम आपको पूरा नीचे का व्यू दिखाएँ। लगभग अभी रात को 11 बज गया है और देख लीजिए कितना भीड़ है और अभी जन्माष्टमी का समय था तो इसलिए काफ़ी भीड़ है और हम लोग डांस कर रहे हैं, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो और अगला वीडियो भी हम आपको कहाँ का भी चाहिए आप वहाँ बोलो, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे और वहाँ का वीडियो जो हम आप लोगों के लिए देंगे। आप लोग आराम से आइए एक बार ज़रूर भाई, लाइफ में आप लोग एक बार ज़रूर प्रेम मंदिर आइए और काफ़ी इन्जॉय के साथ इन्जॉय कीजिए। हम भी इन्जॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ठोकिए और सिस्टम को हैंग करते रहिए। और ये जो अभी आप लोग दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य जो है जब कृष्ण जी जो रास करते थे उस समय का, ये दृश्य राधा के जो अनेक राधाएं थे उनके साथ जब रास करते थे तो उनका दृश्य है, सब सखियों का दृश्य है, पूरा दृश्य आप लोगों को हम दिखाएंगे। अब ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं जब महाभारत हो रहा था उस समय का ये दृश्य है, कृष्ण और जो है अर्जुन जो है ये रथ पे चढ़े हुए थे और ये दृश्य काफ़ी शानदार दृश्य देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। काफ़ी हम आप लोगों को जूम करके फोकस करके दिखा रहे हैं और आपको बगल में जो है यहाँ पे देख रहे हैं उपहार के गृह
देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं और मंदिर का जो व्यू है आप लोग देख सकते हैं कितना कलर का चेंज हो चुका है। जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया कितना कलर का चेंज हो चुका है। अगर मेरा वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेशन लगा, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे पाया, तो आप जो है सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको दिखाइए, अपने मम्मी पापा को दिखाइए। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइए और ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिए। आप लोग देख रहे हैं ये अर्जुन और कृष्ण का रथ है और ये जो देख सकते हैं कि मैंने आपको कितना आप लोगों के लिए मैंने जब से स्टार्ट हुआ था और जब से लास्ट 11-12 बजे तक मैंने ये मेहनत किया है और पूरा व्यू जो आप लोगों के लिए हर एक लाइट का कैप्चर मैंने किया, देख सकते हैं रंग बदल रहा है और पूरा व्यू जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। अब चलिए जो है गोवर्धन का लीला है और आप जो है ये देख सकते हैं जब कृष्ण जी गोवर्धन उठाए, जब इंद्र जी जो है इंद्र भगवान जो हैं वो काफ़ी बहुत बारिश हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि वो तब इस जो गोवर्धन उठाए थे। और ये प्रेम मंदिर का नाइट का व्यू है और आप लोग जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो सब चीज़ है ना मैंने दिखाया, फुल एड्रेस के साथ आप लोगों को बताया। और ये जब आप आइएगा तो जब आप एग्जिट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ये दिखेंगे कृष्ण और राधा जी जो हैं उनका पूरा जो है झूला पे झूल रहे थे और तो पूरा दृश्य आपको वो दिखेगा वहाँ पे। और ढेर सारा प्यार आप लोग ऐसे ही देते रहिए जैसे आप लोग पिछले वीडियो में दिए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कृष्ण जी और राधा जी जो झूला झूल रहे हैं, ये लास्ट का जब आप एग्जिट करोगे वहाँ पे आपको ये मिलेगा और काफ़ी शानदार दृश्य। आप लोग एक बार ज़रूर जाइए विजिट कीजिए, हम आप लोग को जूम करके दिखाते हैं। देखिए रियल में जो झूला वहाँ पे झूल रहे हैं, झूला देखिए झूल रहे हैं वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से दिख रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करते रहते।